सो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। सो बच्चों, जैसे कि आप लोग को ये पता चल ही चुका होगा कि 2024 की CBSE क्लास 10th और 12th की जो बोर्ड परीक्षा है ये 15 फरवरी 2024 से शुरू हो जाएगा। लेकिन बोर्ड परीक्षा से पहले ही आप लोग को और भी बहुत सारी परीक्षाएं अभी फेस करनी बाकी हैं, जैसे कि अभी आपका हाफ ईयरली एग्जामिनेशन जिसे हम मिड टर्म एग्जामिनेशन कहते हैं वो भी शुरू होगा। देन इसके बाद प्री बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होंगी, प्री बोर्ड भी दो दो बार होगा। इसके बाद फिर फाइनल टर्म यानी कि 15 फरवरी से जो हमारी बोर्ड परीक्षा है वो शुरू हो जाएगा। तो आज मैं आप लोग को एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूँ जिससे कि साइंस में आप न सिर्फ हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस बल्कि प्री बोर्ड परीक्षा और जो मेन बोर्ड परीक्षा होगी, फाइनल बोर्ड परीक्षा 15 फरवरी से शुरू होगी, तो इन सभी परीक्षाओं में आप एक अच्छा मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हो। तो आज मैं साइंस को लेके बता रहा हूँ, साइंस में आप कैसे इन परीक्षाओं में अच्छा मार्क्स ऑब्टेन करना चाहते हो। देखो, चाहे आपकी हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस हो, चाहे प्री बोर्ड परीक्षा हो या तो फिर बोर्ड परीक्षा हो, तो इन सब में एक कॉमन चीज़ क्या देखा गया, ये देखा गया है कि भाई देखो 60-70% जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ठीक है आप CBSE के साइट से तो डाउनलोड कर लोगे, लेकिन वो होता है कि आपके मोबाइल में रह जाएगा और मोबाइल में रख के आप कभी भी पढ़ नहीं सकते हो। इसके लिए देखो मैं आपको बहुत ही एक अच्छा किताब जो है वो सजेस्ट कर रहा हूँ, ये दीक्षा पब्लिकेशन की बुक है जो कि इसमें आपका प्रीवियस 10 ईयर्स का क्वेश्चन पेपर दिया गया है। आप अगर CBSE के साइट से डाउनलोड करते हो ना प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन का, तो आप 2019 से लेकर 23 तक का डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन इस किताब में 2013 से लेकर 2023 तक का क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन दिया हुआ है, जिससे कि आपके एग्जामिनेशंस की बहुत ही अच्छे से तैयारी हो जाएगी। और ये आपका ना सिर्फ हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस बल्कि प्री बोर्ड और जो मेन बोर्ड परीक्षा होगी तो उन तीनों में ये काम दे देगा। और ना सिर्फ इसमें प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन दिए हुए हैं, बल्कि अगर स्टार्टिंग में अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो इसमें आपके चैप्टर वाइज जो नोट्स हैं वो सभी चैप्टर्स के दिए हुए हैं। तो फिलहाल अभी मैं आप लोग को यहाँ पे साइंस का दिखा रहा हूँ, लेकिन ये बाकी सब्जेक्ट का भी प्रीवियस ईयर्स का, प्रीवियस 10 ईयर्स का आपका ये जो किताब है दीक्षा पब्लिकेशन का ये मिल जाएगा। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, जिन भी बच्चों को खरीदना होगा तो खरीद सकते हैं। और इनकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ही सस्ती किताब है, आपको इजीली मिल जाएगा बहुत ही कम प्राइस में। मतलब देखा जाए तो इससे अच्छी बुक अभी मैंने प्रीवियस ईयर्स की कोई दूसरी और देखी नहीं है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन की तैयारी करना चाहते हो तो इस किताब को खरीद लेना, डिस्क्रिप्शन पे इसका बाय लिंक दिया हुआ है, ठीक है। तो ये पहला काम है कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन से अपनी एग्जामिनेशंस की तैयारी करना, क्योंकि आपकी जो भी परीक्षाएं होंगी, चाहे वो हाफ ईयरली हो, चाहे प्री बोर्ड परीक्षा हो या फिर मेन बोर्ड परीक्षा हो, तो उनमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो रहता है, जैसे कि हमने कहा ना 60-70% जो क्वेश्चन रहता है वो सिर्फ प्रीवियस ईयर से ही पूछा जाता है। अब इसके बाद जो भी क्वेश्चन और बच जाता है तो कुछ क्वेश्चंस बचते हैं जो कि हमारे NCERT बुक से पूछे जाते हैं। तो NCERT बुक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहेगा, मे बी कि चलो 10-20% क्वेश्चन दे दे, बट बहुत ज़्यादा क्वेश्चन NCERT पे नहीं रहता है। तो NCERT के खैर क्वेश्चंस को तो करना ही करना है, ज़्यादा क्वेश्चन NCERT में दिया हुआ रहता नहीं है। इसके बाद जो बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वो है केज स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। केज स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस की तैयारी सर हम कैसे करें? देखो, केज स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस के लिए CBSE ना ऑफिशियली आपको CBSE के साइट में जो CBSE है वो केज स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस को डाली हुई है, तो आप वहां से केज स्टडी बेस्ड के क्वेश्चंस, केज स्टडी बेस्ड कह लो या फिर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस कह लो, ये दी हुई है। सर डाउनलोड कैसे करें? तो इसके लिए मैं आपको तरीका बता दे रहा हूँ कैसे आप कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को CBSE के साइट से डाउनलोड कर सकते हो। डायरेक्ट CBSE का ऑफिशियल वेबसाइट में चल जाना, cbse.gov.in, जैसे ही लिख कर सर्च करते हो तो आपके पास कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा। इसके बाद फिर यहाँ पर चले जाना, देन इसके बाद यहाँ पे एक हैंडबुक्स का ऑप्शन मिलेगा, हैंडबुक्स में चले जाना। जैसे ही आप यहाँ पे जाते हो तो क्लास 10th का साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, आपको जिस भी सब्जेक्ट का कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस डाउनलोड करना होगा वो आप कर सकते हो। तो एक तो आप हैंडबुक से भी कर सकते हो, दूसरा है कि आप यहाँ पे ये जो क्वेश्चन बैंक लिखा हुआ है इस क्वेश्चन बैंक पर भी क्लिक करके
यहाँ से भी क्लास टेंथ का हो चाहे ट्वेल्थ का हो, आप यहाँ से भी ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन या फिर केज बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो दो जगह पे लिंक दिया हुआ है जहाँ से आप केस स्टडी बेस्ड कह लो या फिर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस कह लो, वो दिए हुए हैं। और आपको पता ही होगा CBSE ने ऑफिशियली ये सर्कुलर निकाल के बताया है कि इस बार कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो है वो हम 50% लेंगे, मतलब पहले था 40% जिसको बढ़ा के 50% किया गया है। तो ऑब्वियसली कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा रहेगा। तो देखा जाए ओवरऑल अगर मैं बात करूँ साइंस का, तो आपका चाहे कोई भी परीक्षा हो रहा हो, चाहे हाफ ईयरली होगा, चाहे प्री बोर्ड होगा, चाहे मेन बोर्ड परीक्षा होगा, तो उन सब में जो एक क्वेश्चन कॉमन रहेगा वो आपका NCERT से रहेगा, प्लस प्रीवियस ईयर से रहेगा, प्लस कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन का तरीका यही है। और ये तीनों कहाँ कहाँ से आपको मिल सकता है, इसके सोर्सेज कहाँ कहाँ से हैं, वो हमने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। NCERT के क्वेश्चन NCERT में दिए हुए हैं, देन इसके बाद प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन के लिए हमने जैसे कि ये बुक आपको सजेस्ट कर दिया, ठीक है, इसका लिंक भी हमने बाय लिंक डिस्क्रिप्शन पे भी दे दिया है, कमेंट में मैं पिन भी कर दूंगा। एंड लास्ट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन CBSE के साइट से डाउनलोड करके तैयारी कर सकते हो, ठीक है। और नोट्स भी खैर इस बुक में तो दिया ही है, तो आपको सारे चैप्टर के नोट्स भी मिल जाएंगे, पढ़ सके अपनी तैयारी कर सकते हो। और जो नोट्स है भाई बहुत ही अच्छे से लिखा हुआ है, हमने पढ़ा मतलब इतने इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है ना कि मतलब कोई बच्चा अगर एक बार पढ़ेगा तो इजीली उसको समझ सकता है। तो चलो आज के लिए इतना ही, और भी आगे आप लोग को अगर मैथमेटिक्स का या फिर और भी अदर सब्जेक्ट का आपको तैयारी करना होगा कि कैसे हम उन सब्जेक्ट की तैयारी करेंगे, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आएगा, आप लोग कमेंट करना, मैं उन सब्जेक्ट के भी लेके आपके लिए वीडियो बना के दे दूंगा, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं दूसरे वीडियो में बहुत जल्दी।